जय श्री राम भाइयों। तो गेहूं कटिंग का काम बिल्कुल युद्ध स्तर पर चालू हो गया है, ठीक है। देख सकते हैं अपन, ये हार्वेस्टर से कटा हुआ गेहूं है। गेहूं की औसत तो बढ़िया नॉर्मल आ रही है। उसके बाद इसको थोड़ा सा जल्दी कटवाने का कारण थोड़ा सा ये रहा है कि पानी के डर से किसान ने इसको थोड़ा सा जल्दी कटवा दिया। तो इसमें अब सुखला बना रहे हैं भूसा। तो आज खेत में चल रहा है कुबोटो, चल रहा है MU 5501, ठीक है। तो इसका परफॉर्मेंस देखेंगे भाइयों। जगत जीत की जो कि बिल्कुल यूँ समझ लो कि फेमस ब्रांड है, स्टार रिपर चल रही है ना। तो इसका परफॉर्मेंस देखेंगे भाइयों, इसके ओनर से पूरी जानकारी भी लेंगे, क्या एवरेज है, कितनी देर में ट्राली बना रहा है और कितना डीजल ले रहा है, ठीक है, और क्या परफॉर्मेंस दे रहा है उस, ये देख सकते हैं अपन। जगतजीत ग्रुप वालों का ये स्टार रिपर है, बहुत ही फेमस है जैसा कि हम जानते हैं। कनेक्टेड है, 55 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है भाइयों। लोड आता है थोड़ा सा किले की वजह से लोड आता है थोड़ा सा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ माउस्चर है, ठीक है, ये इस तरह का थोड़ा सा माउस्चर है, उस वजह से थोड़ा सा लोड आता है, बाकी अच्छा लोड है। ये देख सकते हैं अपन, ठीक है भाइयों, बिल्कुल नीचे से ले लिया है। वो क्या है, ज़्यादा नीचे भी नहीं जा सकते, नहीं तो क्या है कि जो पारी है, हमारे इधर पारी सिस्टम रहती है और ये इस टाइप से पत्थर भी रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा अगर नीचे जाएंगे तो कहीं ना कहीं मशीन में नुकसान करेगा, ठीक, इसलिए इसको थोड़ा सा बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाना पड़ता है। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। लोड क्यों मान रहा है ये? लोड बहुत गीले बहुत है ना, गीले की वजह से। तो इसको 4 दिन बाद अभी अपन काट सकते थे, जल्दी क्यों कर रहे हैं? 4 दिन बाद काट सकते थे, लेकिन ये क्या है कि अभी सुखले किसान कटवा रहे हैं तो अब क्या करूँ। हाँ हाँ, और पानी जैसा भी हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है ना, तो उसमें क्या है, मान लिया जाए पानी अगर गिर जाए तो सब खराब हो जाए, पानी गिर जाए सब नीचे चले जाएंगे, नीचे है ना, सड़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे बाकी बहुत बढ़िया चलता है। अच्छा, हाँ अच्छा चल रहा है वो। तो ये बताए भाई साहब, आपके जो कुबोटा ट्रैक्टर लिया आपने है ना, तो ये किस पर्पज से लिया आपने मशीन, इससे रिपर के पर्पज? अच्छा अच्छा, तो कैसा परफॉर्मेंस है इसका? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, डीजल एवरेज क्या है इसका, घंटे के हिसाब से अगर जोड़े तो? घंटे के हिसाब से देखो, लोड के हिसाब से ऐसा तो 450 कम तो लेता ही नहीं है, बाकी 7-6-7 भी चला जाता है। हाँ 6-7 वो लोड के हिसाब से है, 55 HP का ट्रैक्टर है, 55 HP है तो उस हिसाब से काम भी करता है, ठीक है। प्लो का लिए भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, प्लो पे भी चलाते हैं अपन? प्लो पे चलाते हैं। ये 4-wheel इसीलिए लिया? अच्छा अच्छा अच्छा। और ये मशीन, मशीन का परफॉर्मेंस कैसे क्या है, जगत जीत की जैसे आपने ली? अच्छी है जगत जीत। अच्छा, ये 20 अच्छे सूखे होते हैं, 25-20 मिनट में ट्राली भरा जाता है। 20 मिनट में ट्राली भर देती है? अच्छा, 25 मिनट के अंदर। अच्छा अच्छा, ये जो यही काम पे ऐसे ही होते हैं, अगर जो तो यूँ समझ के चलो कि 25 मिनट में भरा जाती है, सूखे होते हैं। अच्छा अच्छा, अगर इसी 45 मिनट लगेंगे भराने। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा गीला भी है, गीला है इसलिए, और थोड़ा देख सकते हैं थोड़ा मच्छर और। हाँ हाँ, अरे दिख रहा है, देखो डंडी अरे दिख रही है। हाँ बिल्कुल, हरी है, हरी दिख रहे हैं ऐसे, अरे अरे तो दिख रहे हैं, तो क्या है। हाँ मतलब ये करीब करीब 5-6 दिन बाद कटना चाहिए। देखो इतने तो लेने दिख रहे हैं, अंदर अरे का चाहिए। सही बात है, तो क्या चलेंगे इसमें, बिल्कुल लोड भी ज्यादा पड़ेगा, आगे काटेंगे थोड़ी कटेगा। अच्छा, दूसरा कोई नुकसान तो नहीं है इसमें? कुछ भी नुकसान नहीं है। अच्छा अच्छा, नीचे से काट रहे हैं, इसमें तो पत्थर रहते हैं। नहीं नहीं, बढ़िया, इसमें तो जैसे सावधानी पूर्वक काटना पड़ता है, कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, चल रही है, बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है ना। तो ये मशीन जैसे आपने जगत जीत के लिए, तो इसमें कहीं पहले चलते हुए देखी या आपने मन से ही ऐसे ले ली? और भी है मार्केट में विश्वकर्मा वगैरह, और भी अच्छी KDS यूट्यूब पे देखी थी, तो उसके हिसाब से ली थी। इसका मतलब अच्छा लगा आपको है ना मार्केट? सब देखा था अपने, लेना थी तो सभी कंपनी की देखी अपन ने, उसका थोड़ा अच्छा बताया, और चलते हुए ट्रैक्टर का भी देखा अपन ने यूट्यूब पे, उसके हिसाब से अपन ने कहा ये ले लेते हैं। अच्छा, अच्छी चल रही है अपने। अच्छा ये बताओ, ट्रैक्टर का आपके गाँव में कितने कुबोटा ट्रैक्टर है? अपने गाँव में एक अपना है, एक दूसरे का है, दो ट्रैक्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा,
कौन सा गांव, आपका एड्रेस बता दो, नाम बता दो। बालोदा लखा। हाँ, नाम आपका? नाम फिरूलाल डोडिया। अच्छा अच्छा, पप्पू डोडिया के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा, तो इस ट्रैक्टर से संतुष्ट हो मतलब? बढ़िया चल रहा है अपने। अच्छा अच्छा, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पहली सीजन चला रहे हो कि इसके पहले चला लिया? नहीं, ये ट्रैक्टर, ये तो मशीन को तो अपन 3 सीजन हो गया। अच्छा अच्छा, और इस कुपड़ा ट्रैक्टर से ये दूसरी सीजन है। दूसरी सीजन है ना। इसके पहले इस पे मशीन पे कौन सा चलाते थे? ऐसे 500 कम। अच्छा, वो वाला जो पड़ा, तो वो क्या सक्सेस नहीं हुआ इस पे, क्यों निकालना पड़ा? वो छोटा है, 50 HP का, थोड़ा छोटा छोटा पड़ता है, छोटा पड़ रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा, तो फिर ये वो क्या क्या, ट्राली में डीजल कम लेता है, ट्राली में भी लेता है ज्यादा बड़ा। हाँ खैर, ये 55 HP वो ट्राली के लिए है ही नहीं, वो ट्रैक्टर ट्राली में नहीं, बड़े काम के लिए रहता है ट्रैक्टर। हालांकि 55 HP की कैटेगरी के हिसाब से फिर भी डीजल बहुत अच्छा है इसका। 5-4 लीटर बहुत कम ले रहा है, 5 से कम तो चलता ही नहीं। हाँ नहीं चलता है, काम भी उतना निकालता है। अभी तक अपने इसमें तो 6 लीटर से ऊपर कभी गया ही नहीं है, 5.5 लीटर तो खाया है। 7 तो अपन ज्यादा बता रहे हैं, ले लेता है कभी, ताकि हमारे हिसाब से तो 5-5.5 लीटर ले रहा है। हमारे इस मशीन पे भी 5 से ज्यादा नहीं लेता है, ये ऐसा गिला जाता है तो 6 लीटर ले लेता है कभी। अच्छा, इसमें जैसे अपन थोड़ा सा नमी पे बना रहे हैं सुखले, तो ये मतलब खराब तो नहीं होगा? नहीं, ये तो काला तो नहीं पड़ेगा? काला पड़ सकता है, पड़ सकता है ना, पर मजबूरी है, काटना पड़ेगा। मान लिया जाए अगर बारिश आ जाए, बारिश आ जाए तो ये भी हाथ नहीं लगेगा, ये भी ना क्या खिलाएंगे डोर को। सही बात है, सही बात है। अभी वही तो मैं बोल रहा है कि गेहूं से ज्यादा सुखले का महत्व है, सुखले का ज्यादा। सही बात। अभी अपने सुखले के लिए तो नहीं, अभी कहाँ मशीन चली, अपनी चली रही है मशीन। सही बात, सही बात, शुरुआत है अभी तो, शुरुआत है, श्री गणेश ही है यूं समझ लो। तो बढ़िया अच्छे से चल रहा है मतलब, है ना, अभी देख रहे हो। तो ये संतुष्ट हो मशीन से भी? मशीन भी अच्छी है ना, बढ़िया चलती है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो कितनी ट्राली बना दी आपने 2 साल से जैसे चला रहे थे, हर साल की कितनी ट्राली बना देते हो? पहले सीजन में अपन पहली बार लाए थे तो थोड़ी जानकारी नहीं थी ना अपन, क्या क्या नए नए थे, पंजाब से लाते नहीं है, हम खुद ही चलाते हैं। ड्राइवर वगैरह नहीं लाते? ड्राइवर नहीं लाते हैं, हमसे जो चलती है वो चलाते हैं। तो 300 ट्राली करी थी शुरू में। हाँ, और पिछले साल 450-450 है ना, और इस बार तो थोड़ा जल्दी चालू हो गया है, समझ के चलो 500+550 हो जाएगी, क्योंकि इस बार जल्दी भी चालू हो गया है और गेहूं का रकबा भी ज्यादा है, रकबा ज्यादा है, गेहूं ज्यादा है ना, इसके हिसाब से 500-550। हाँ हाँ, अपन अनुमान मान सकते हैं, गेहूं का रकबा भी ज्यादा है। बिल्कुल साउंड लेस ट्रैक्टर है भाइयों, देख सकते हैं अपन, है ना, 5502। इंडिपेंडेंट क्लच लीवर है भाइयों, मशीन के लिए मतलब पीटीओ के लिए अलग से क्लच दे रखा है, ठीक। और RPM अगर अपन देखें तो करीब करीब कितने RPM का चल रहा है? 1600 RPM ना। और गियर कौन सा है? बेला गियर है। हाई का नहीं, हाई का थोड़ी होगा, दो में डाल रखा नहीं, ये दो गियर ही है। अच्छा, ये देख सकते हैं, बहुत ही फेमस ब्रांड है, ट्रस्टेड कंपनी, इंडिया में बहुत चलती है।
बिल्कुल साउंड लेस है भाई, और जबकि 1600 आरपीएम पे चल रहा है ना, ये कुबोटा की सबसे बड़ी खासियत होती है। हाँ भाई नमस्कार। नमस्कार, क्या औसत आया गेहूं का? यही उसकी 12। 12 कौन सा वैरायटी, कौन सी? लोक वन का है नी। तो ये शुक्ला कटाने में जल्दी क्यों कर रहे हो? पानी सब रहा। पानी आ जाए कभी, है ना? हाँ सही बात है, नहीं तो ये भी हाथ नहीं लगे है नी। लोक वन वैरायटी मतलब रफ एंड टफ गेहूं अपन मान सकते हैं भाइयों। हमारे इधर क्या है, जैसे गर्मी का अगर गेहूं लगाते हैं तो अधिकतर यही गेहूं लगाना पसंद करते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं हमारे इधर क्या हुआ भाइयों के 6-7 मार्च के आसपास बारिश हो गई थी, तो कहीं ना कहीं 1-2% हम इसमें उसका नुकसान देख सकते हैं। बाकी 12 क्विंटल बीघे के हिसाब से गेहूं, ये बिल्कुल हमारे क्षेत्र का सबसे टॉप यानी कि ऊपर की जमीन है, मगराया क्षेत्र इसको हम बोलते हैं, है ना, सबसे ऊपर ये जगह है, खेत है। ठीक है भाइयों, तो इसमें ये कि बहुत ही बेहतरीन सुविधा अपन देख सकते हैं। ठीक, ये देख सकते, ये सुविधा एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। ये क्या है कि खुश तो अपन मान सकते हैं कि जैसे कि वो गीला कटाया, उसके बाद ये जो नुकसान है भाइयों, ये कहीं ना कहीं जैसे नील गाय घोड़ा रोज जिसको बोलते हैं, उनका ये नुकसान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो किसान तो यूँ समझ लो कि मतलब अन्नदाता तो है ही सही, और इससे ज़्यादा सहनशील प्राणी इस धरती पर नहीं है। ठीक है, एक चूहे से लगा के तो व्यापारी तक किसान का शोषण करता है। अब देख सकते हैं अपन जैसे कि ये गेहूं करीब करीब 5-6 दिन बाद कटना था, लेकिन बारिश के डर से मजबूरी में ये गेहूं कटवाने पड़े। ठीक, पहले से ही तो इसमें पानी और ठंड का प्रकोप अपन देख सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा गीला कटवाना पड़ा मजबूरी में, घोड़ा रोज का नुकसान, और अब यह जो शुक्ला है मतलब ये जो एक्स्ट्रा बन रहा है, ये भी 4 दिन पहले मजबूरी में कटवाना पड़ रहा है। कारण क्या है कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में वापस पानी का माहौल बता रहे हैं। तो ठीक है जो भी है, लेकिन किसान से बड़ा सहनशील प्राणी इस धरती पे नहीं है भाई। ठीक है, ये देख सकते हैं अपन। अब ये क्या है, अब जैसे ये गेहूँ पड़ा है, ठीक है भाइयों, अब ये गेहूँ पड़ा है, ये फालतू में मिट्टी में मिल जाएगा। इसका जो नुकसान है, ये जो नुकसान हुआ है भाइयों, ये घोड़ा रोज के कारण हुआ है। ठीक है, घोड़ा रोज के कारण, ना तो ये मशीन में आया हार्वेस्टर में, और ना ये स्ट्रा रिपर में आएगा, क्योंकि पाली की वजह से नीचे नहीं जा सकते। ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान है घोड़ा रोज का। ये देख लो, ये सब गेहूँ है, ये मशीन में आए नहीं है, आएंगे कैसे, बिल्कुल ये घोड़ा रोज के पैरों से बिल्कुल लेट गए। ठीक है भाइयों, कुबोटा MU5501 बहुत ही बढ़िया मतलब पेड़ जमाए हैं अपने परफॉर्मेंस, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने डीजल एवरेज के कारण, है ना। ट्रैक्टर तो बहुत चल रहे हैं भाइयों, लेकिन बात टेक्नोलॉजी की है। ठीक है,
पहले ये भाई साहब इस पे चलाते थे 551। ट्रॉली के लिए एक ट्रैक्टर एक्स्ट्रा चाहिए भी था और छोटा भी पड़ रहा था, तो भाई ने क्या करा कि एक ट्रैक्टर बड़ा लिया, और बड़ा लिया तो बहुत बड़ा ही ले लिया, मतलब प्लव वगैरह देख के आगे भविष्य देखते हुए फोर व्हील ही ले लिया उसको। ठीक है भाइयों, जैसी भी वीडियो लगे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय श्री राम।